Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिकल एजुकेशन में हमारा आज का चैप्टर है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, यानी किस तरह से हमारा जो बॉडी है वो किस तरह से, जैसे बच्चा छोटा रहता है उसके बाद बड़ा होता है, साइज किस तरह से इंक्रीज होता है, वेट किस तरह से बढ़ता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग मापन कर सकते हैं। जैसे ये एक छोटी सी लाइन है, उसके बाद इसमें अगर ये बड़ी हुई, ये बच्चा जो छोटा है उसके बाद बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, ये क्या शो कर रहा है? ये आपका ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ है ये, जिसको क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है। डेवलपमेंट जो होता है, जो इस तरह से हम लोग उसको साइज देख नहीं सकते कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये उसमें हम लोग किसी भी तरह से उसका मेजर नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट जो होता है उसको मापा नहीं जा सकता है, उसका मेजर नहीं किया जा सकता है। ग्रोथ का जो हाइट हुआ, वेट हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होता है, मेजर की जा सकती है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये फिजिकल एजुकेशन का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, वो बेसिकली इसी से रिलेटेड होते हैं कि बच्चे का फिजिकल ग्रोथ हो सके और उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब होता है उसका पूरा डेवलपमेंट हो सके, सिर्फ उसका बॉडी का ग्रोथ ही ना हो, उसकी बॉडी ग्रोथ के साथ उसका माइंड का अच्छा डेवलप हो, उसका इमोशनल लेवल पे वो अच्छा, मतलब हर एक अच्छी चीज़ें जो है वो सीखे, उसका व्यवहार में वो चीज़ें शो कर दे। ठीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो, ये सारी चीज़ें जो है इमोशनल, मॉरल, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है उसके डेवलपमेंट में आती हैं। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में ये आ जाएगा, जैसे बच्चा वो जो है वो इन्फेंसी, इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडल्ट हो गया, एडल्ट हो गया, ये उसका क्या हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि किस तरह से वो अपने इमोशंस को शो करता है, कहाँ पे उसको हंसना है, कहाँ पे उसको रोना है, ये उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। और मॉरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का नैतिक विकास, मतलब उसको किस तरह से बिहेव करना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, तो हमारे समाज के लिए ये चीज़ें उसको सीखना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट, समाज सोशल डेवलपमेंट उसको आ जाएगा, एडजस्टमेंट मेन लिया आ जाएगा, किस तरह से उसको अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करना है और किस तरह से उसको दूसरों को हेल्प करना है, क्या काम है जो उसको अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ डेवलपमेंट होते हैं जिस पर फोकस किया जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है इसको हम लोग कहीं से भी माप नहीं सकते कि बच्चे का विकास कितना हुआ है, ये बस हम देख सकते हैं ऊपर से कि बच्चा अगर सभी चीज़ें कर रहा है तो ये कहेंगे कि हाँ पिछले साल ये बच्चा बहुत शैतान था, इस बार तो इसमें चेंजेस आए हैं, बच्चा जो शैतानी कम करता है, झूठ नहीं बोलता है, पढ़ाई अच्छे से करता है, तो उसका इतना विकास हुआ है। पर कोई स्केल नहीं, कुछ ऐसा पैमाना नहीं जिसमें उसको मेजर कर सके। ठीक है, ग्रोथ हम लोग माप सकते हैं कि बच्चा जो था उसकी हाइट जैसे पिछले साल कुछ रही होगी 4.3 था, तो इस बार उसके बाद मापते हैं तो 4.7 हो सकता है, कुछ भी मतलब इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो हाउएवर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल एक्सरसाइज अलोन, सेवरल अदर फैक्टर्स हैव अ बियरिंग ऑन दिस एस्पेक्ट। तो जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसमें सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस नहीं किया जाता कि एक्सरसाइज करेगा तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगा, और भी कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जो जरूरी होते हैं, जैसे मैंने बताया फिजिकल, इमोशनल, मॉरल, सोशल। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज एबिलिटी टू ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर बर्थ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें ग्रो कब, ग्रोइंग स्टार्ट कब स्टार्ट होता है, बर्थ के बाद। ठीक है, बर्थ के बाद उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं। देयर बॉडी इज कम्पोज ऑफ सेल, ह्यूमन सेल्स हैव अ मास ऑफ लिविंग मैटर कम्पोज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एक्सेट्रा। ह्यूमन सेल्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सेल्स से बना होता है, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट, ये सारी चीज़ें वो वाटर, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल। लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये अपने लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र इनका कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। सून द सेल बिगिंस टू मल्टीप्लाई बाय स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू फॉलोड बाय सिमिलर डिवीजन।
जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, धीमे धीमे सेल्स जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सून ग्रुपिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स टेक प्लेस फॉर द कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। कलेक्टिव ऑफ सिमिलर स्पेशलाइज्ड सेल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द स्पेशलाइज ऑफ द सेल्स दैट फॉर्म वेरियस टिश्यूज। टिश्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर फॉर्म्ड, सेवरल टिश्यूज पुट टुगेदर फॉर्म ऑर्गन्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ले द फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टम विच परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इन अवर बॉडी। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स मे बी टर्म्ड एज ग्रोथ। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में सेल्स इंक्रीज होगा उसको ग्रोथ कहा जा सकता है। जितनी कोशिकाओं का निर्माण हमारी बॉडी में हुआ है तो हमारी जो कोशिका होती है ये हर एक कोशिका का अपना एक कई सारे ग्रुप में ये जब जुड़ी होती है तो एक कोशिका का इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। कोई कोशिका किसी काम के लिए जरूरी होती है, कोई दूसरे काम के लिए जरूरी होती है। तो बॉडी में जितनी ज़्यादा सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा उसको उसके ग्रोथ में दिखेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द इंक्रीज इन शेप साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ सच अ चेंजेस द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस ऑर्गन इंक्रीज। और डेवलपमेंट क्या होता है, जो इंक्रीज सेल्स में सेल्स के शेप में साइज में और उसका स्ट्रेंथ जो है वो कितने ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। फॉर अ डिजायरेबल इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स वी नीड एन इंक्रीज इन देयर शेप एंड एफिशिएंसी इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मस्क्यूलर फाइबर्स। इन आवर बॉडी ग्रोथ ऑफ सेल्स टेक प्लेस फर्स्ट एंड देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस लेटर। हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, कोशिका जो होती है कोशिका बढ़ती है उसके बाद उसका विकास होता है, ठीक है। सबसे पहले कोशिकाएं जो है उनका ग्रोथ होता है उसके बाद उनका विकास होता है। सो स्टूडेंट्स, सेल हमने जैसे बता दिया कि जो सिंगल यूनिट होता है वो सबसे पहले एक सेल होता है, उसके बाद उसके कई सारे डिवीजन होते जाते हैं और सभी सेल्स का जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, हर एक सेल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि किसको क्या काम करना है। और डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है ये सभी ह्यूमन बीइंग्स में एक जैसा नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। और सिंस वेरियस जेनेटिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस एट अ टाइम ऑफ कंसेप्शन द वेरियस वेरिएशन इन ग्रोथ पैटर्न्स फॉलो। Biologists have accepted the same mentioned factors responsible for the physical growth and development. Heredity and environment, personal hygiene and health rules, balanced diet, proper exercise, freedom from worry and tension. Biologists ने क्या चीज़ें जो है वो accept किया है कि growth and development के लिए क्या क्या चीज़ें वो होती है। सबसे पहले उनका होता है heredity, heredity मतलब आनुवंशिकता। बच्चे की मम्मी पापा या उसके दादा दादी उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके पूर्वज जिस तरह से हैं उसका वो ग्रोथ ये ज़्यादातर 95% चांस होते हैं कि बच्चे का ग्रोथ भी उतनी ही होगी। जैसे जो जिनके पेरेंट्स बहुत लंबे होते हैं तो देखा जाता है कि उनके बच्चे भी ज़्यादातर देखा जाता है लंबे ही रहते हैं। और उसी तरह से जिनके पेरेंट्स मोटे होते हैं वो कोई बीमारी है या आनुवंशिक तौर पर जिसमें मोटापा पाया जाता है तो उनके बच्चे भी देखा जाता है वो मोटा होते हैं। और कभी कभी इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है, कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में एक हेरिडिटी होता है, दूसरा होता है इन्वायरमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। उसके बाद दूसरा होता है पर्सनल हाइजीन, क्या चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड कराई जा रही है, उसका डाइटिंग किस तरह से है, हेल्थ रूल्स। अब जैसे बच्चे की माता पिता जो है बहुत हेल्दी है बट कभी कभी होता है बच्चा जो है हेल्दी नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, हेल्थ रूल्स। जरूरी नहीं है जो उसके मम्मी पापा जो है वो एक्सरसाइज करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, बच्चा जो है फास्ट फूड ज़्यादा खाता हो, एक्सरसाइज ना करता हो, तो वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसका ग्रोथ होगी, ठीक है। या जो बहुत ज़्यादा फैट हो सकता है या बहुत ज़्यादा वीक या दुबला पतला हो सकता है इस तरह से, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, एंड फ्रीडम फ्रॉम वरी एंड टेंशन, फ्रीडम फ्रॉम वरी एंड टेंशन। तो ये सारी चीजें जो हैं बायोलॉजिस्ट ने हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, पर्सनल हाइजीन, हेल्थ रूल्स, बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, फ्रीडम फ्रॉम वरी एंड टेंशन, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं।
फ्रीडम फ्रॉम वरी एंड बाकी चीज कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपको, बैलेंस डाइट मतलब आपको टाइम टू टाइम आपको कि आपको कब ब्रेकफास्ट जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपको टाइमली लेना चाहिए, लंच आपको टाइमली लेना चाहिए, क्या चीजें लंच में आपको खानी है ये भी अच्छा होना चाहिए, और डिनर आपका टाइम से होना चाहिए, ये बैलेंस डाइट को होता है। एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम फ्रॉम वरी एंड टेंशन। वरी क्या होता है? वरी मींस टू थिंक दैट समथिंग बैड माइट हैपन और हैज हैपेंड, यानी कुछ बुरा होने वाला, कुछ किसी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना। आपका आपका पेपर है, आप बिल्कुल सोचे जा रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बिल्कुल टेंशन के मारे। टेंशन क्या होता है? नॉट बीइंग एबल टू रिलैक्स बिकॉज यू आर वरीड और नर्वस। हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे, इतना ज्यादा टेंशन है कि हम बिल्कुल रिलैक्स की पोजिशन पे आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्यों टेंशन हो रही है? हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, वरी करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ता है और इससे बीमार हो जाते हैं। कई बच्चों को जो होता है वो कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एग्जाम फोबिया जब हो जाता है, पेपर नहीं दे पाते, उनके हाथ वगैरह कांपने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो वरी एंड टेंशन से हमें दूर रहना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद अगर हम पेपर को देंगे तो अच्छा देंगे, ठीक है? अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको टेंशन होगी ही। तो आपको डेली अपना वर्क, चाहे आप कुछ भी आपको वर्क मिले स्कूल में, आप डेली 1 आवर 2 आवर 3 आवर डेली जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। We often find that health and physical structure of children resemble their parents or grandparents. Their nature and other qualities also are found identical to their parents. Their height, color of eyes, their growth and obesity are often depend upon their parents. The mental and social qualities of children are also depend upon their parental influence up to some extent. अभी जैसे मैंने बताया आपको कि बच्चे का ग्रोथ, उसने मतलब जैसे बच्चे का आईज, हेयर, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। मतलब बच्चे के पेरेंट्स जिस तरह से रहेंगे, ज़्यादातर ये देखा जाता है उनके बच्चे भी उस तरह से रहते हैं। पेरेंट्स का किस मतलब उनकी हाइट कितनी है, उनके आईज का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस बच्चे से मैच करती रहती हैं। द मेंटल ऑफ एंड सोशल क्वालिटी बच्चों में ये भी देखा जाता है उनकी मानसिक योग्यता। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट पेरेंट्स जो होते हैं, उनके बच्चे भी कई बार देखा जाता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंडेड पर्सन होते हैं, और पेरेंट्स का अगर सोशल एडजस्टमेंट अच्छा है, उनका बिहेवियर लोगों का अच्छा है, बच्चा भी वही चीज़ें ऑब्जर्व करता है, वही चीज़ें सीखता है, तो उसका भी सोशल एडजस्टमेंट भी अच्छा है वो रहता है। वो देखता है कि पेरेंट्स हमारे दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं,